पहले तो हम आप इसलिए वेलकम कर देते हैं। अरे अपने एकदम बहुत बढ़िया से जैसे भोजपुरी सिनेमा का नाम पसंद कर रहे हैं भोजपुरी लोगों के वैसे ही बहुत श्रेष्ठ भूमिका मिला है। और बताएं क्या चल रहा है? एकदम आशीर्वाद है। एक आवाज हरके सो आइए आइए बाकी सब बढ़ी। हाँ एक शूटिंग चल रही थी। अच्छा अच्छा स्कैन टू की। अच्छा और आसनगंज चुनाव भी आ गया है। खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए हर क्षेत्र में जहाँ रहिए एकदम निष्ठा की तरह चमकते रहिए। आशीर्वाद है मेरा हमेशा शुभकामना हमेशा। और आपसे तो ऐसे भी बहुत पुराना संबंध है जी हो गया धीरे धीरे 2007 से अब तक 15 साल पहले लेकिन एक चीज है कि उम्र में परिवर्तन नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है। परिवर्तन का मतलब ये है कि काम ही ऐसा है एनर्जेटिक रहना होता है और हमेशा नियमित रहना होता है। दल होने ही नहीं देता है। ये सबसे अच्छी कि भाई काम ही 24 घंटा हम लोग को भागना ही है दौड़ना है कूदना है फांदना है नाचना है सब तो उसमें कहा आप परफेक्ट आप अपनी जगह पे भोजपुरी सिनेमा को एक मतलब पूरे मैं कहूँ केवल राष्ट्रीय नहीं वैश्विक क्षितिज पर आपने पहचान दिलाई और अच्छे से मतलब गिने चुने जो एक दो स्टार्स हैं उन्होंने अनंत ऊंचाई की। अभी तो इन दो फिल्में मैंने ऐसी की है एक तो माई और एक गोपर्धना। इन दोनों फिल्मों को मैं महाराज जी को दिखा के अच्छा और यूपी में भोजपुरी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में प्रिंसिपल बोर्ड को लगाना वो कर दें और एक शो मतलब हर मल्टीप्लेक्स में चले। अरे बहुत इसकी व्यवस्था करवा दी बहुत जबरदस्त। और वैसी फिल्म बनेगी तो ही वहाँ मतलब भी है और ज्यादातर मतलब वो सब जमीनी फिल्में हैं गांव गांव की उसमें जो जमीनी सच्चाई है जी उससे लोग बहुत ज्यादा भाई हम लोग जब स्टूडेंट थे तो आपका गाना अक्सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तब से वो गाना सुनते हुए 2000 से 2005 के बीच अक्सर करता था। उसके बाद साथ सुन जाता था मतलब दिल में भाई के रूप में दोस्त के रूप में छवि प्यार आशीर्वाद तो मुझे हमेशा है। और मैं जो आया था लखनऊ में शो करने इंदिरा नगर में आ रहे थे हम वो यादें मतलब जी स्वीट यादें मेमोरी जुड़ी हुई है वहीं से जो है परिवार में सब कुशल एकदम बढ़िया अभी एकदम ठीक है घर पे है भाई है तो वो भी हीरो ही है वो भी फिल्में लगातार कर रहे हैं और छोटे भाई हाँ अब आपने प्लेटफॉर्म दे दिया है ना इतना अच्छा तो उस प्लेटफॉर्म के लोग आने दिए और गांव में ही सब लगा दिया ना सर मतलब पूरी फिल्म गांव में हमारे शूट हो जाती है। हाँ बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है बॉम्बे में जो जो इक्विपमेंट है सब लाके गांव पे लगा दिया। बहुत अच्छा बहुत एकदम अच्छा पूरा मतलब पूरा एकदम स्टूडियो सेटअप। हाँ पूरा हम एक बार देखेंगे आएंगे कभी भी आप एक बार समय निकालिए आइए काजीपुर आएंगे आएंगे देखेंगे माँ से मुलाकात भी बिल्कुल आशीर्वाद मौका भी लेंगे। और गाजीपुर में दो बार रहा हूँ थोड़े थोड़े समय 2010-2017 मतलब एक बार डेढ़ महीने बार आएंगे अच्छा गली में मुझे ख्याल है 2010 में एक बार गली क्रिकेट वाला जब चल रहा था गली क्रिकेट बहुत कर रहे थे तब भी एक बार बात हुई उस समय उसके बाद में निकल गया मतलब 2-4 बार ट्रांसफर हो गया दूसरी मुलाकात नहीं। उसके बाद तो हम लोगों का टारगेट बन गया कि आईपीएल में हमारा यूपी कैसे आए बहुत बढ़िया और था आप लोगों ने सफलता भी हाँ प्राप्ति और मुझे आके देखिए फाइनली एक नाइन भी आई बहुत नहीं तो वो एक कमी महसूस होती थी ना भाई सब ये होता है मुंबई इंडियंस पंजाब है बिल्कुल सब चेन्नई है खाली यूपी क्यों नहीं यूपी का सबसे बड़ा स्टेट होने के साथ जिस हिसाब से इतना सकारात्मक वातावरण जी तो उसमें इस कमी को भी पूरा होना बहुत जरूरी इसीलिए हम लोग लग गए थे उसके ऊपर उसके जो है वो
बड़ा अच्छा अनुभव। और पहली बार में आके लोगों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया टीम में। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब मुझे लगता है अंतिम चार में आने से लगभग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके। तो शूटिंग गाने की नहीं, वो शूट कर रहा था वेब सीरीज। अच्छा। और उसके बाद कल बंसल जी आ रहे हैं आजमगढ़, हम लोगों के संगठन मंत्री, तो वहाँ पे रहना है। मतलब वो एक दिन अब इधर रहे जी, जी, जी। क्या कुछ ले आओ भाई, चाय नाश्ता ले आओ। हाँ लगा अच्छा अच्छा स्वाद भी आता है। मतलब हाँ। गांव का जो एक सीधापन वो उसका मजा। गांव में हम लोग जब नेता खाने जाते थे मतलब ज्यादातर तो बच्चे लोटा लेके जाते थे, नहीं तो कुल्हड़ ध्यान देता था। कुल्हड़ का एक अलग सीधापन और शुरू से उद्देश्य में बच बस गया है। बहुत अच्छा। आजकल तो मुंबई में भी इसका बड़ा वो चला है। ये आप लोगों ने इसका चलन बढ़ा दिया। अच्छा किया। मुंबई में भी एयरपोर्ट पे भी बाकी लोगों को खूब चल रहा है। अपनी जगहों की वो लौटना चाहिए। हाँ लोगों को हमेशा पकड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी एक दो लोग ऐसे भी हैं जो खूब प्रमोट किए इसको। आजकल तो मिट्टी भी सब सब भी मिल रहा है। मिट्टी चोखा सब बता दी। थोड़ी सी चाट भी मिल रहा है। एक अलग ही आनंद है। वाह बहुत बढ़िया। पसंद है सप्ताह में हाँ। एक दो बार बीच बीच मंगा लेते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे भी जो लोग बनारस आते हैं बाहर से वो यहाँ का जब नाश्ता या फिर सुबह कचौड़ी जलेबी ये सब जब खा के जाते हैं तब तो याद रखते हैं। बिल्कुल सही है। अभी पहले से प्रोग्राम हो रात को विश्राम हो तो सुबह की कचौड़ी जलेबी का भी आनंद उठाया जाए। एकदम एकदम मैं रुकता हूँ नहीं सामने का आज। अच्छा हाँ तो नेक्स्ट टाइम जब अगली टाइम जो है सुबह सुबह नहीं चलेंगे नौका विहार किया जाए। नौका विहार किया जाए। नौका विहार करके आराम से हम लोग कचौड़ी और दही लड्डू खाने। आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी ऊंचाई है। बहुत बढ़िया। अभी तो देखिए ना एक दो फिल्म ऐसी भी किया हूँ जो अभी डांस फेस्टिवल भी जा रहा है। अरे वाह बढ़िया पूरा है। ध्यान हमारी शुभकामनाएं हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी पूरी सिनेमा जीते और जब उसके बाद जीतने के बाद कोई पार्टी दे तो फिर भाई की पार्टी में दोनों भाई साथ ही बैठ के बिल्कुल। अभी तो यहाँ आपकी चाट हम लोग खाए। चाट आपने कुछ साल बाद खाई हम लोग खाऊंगा। ये भी एक बहुत अलग सुखद याद रहने के लिए। बिल्कुल। और अगला जो हम लोगों का रहेगा वो हमारी फिल्म वाली जब बिल्कुल एकदम तय। तो अभी मुझे लगता है आप तुरंत आ ही रहे हैं अभी जाकर के आपको। हाँ मैं सीधा ही अभी मैं सीधा स्टूडियो जा रहा हूँ सर। वहाँ अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हुए फिर आराम करते हुए रात में निकले। रात में निकल जाऊंगा हाँ क्योंकि माता जी से मुलाकात करूंगा। ठीक उसके बाद फिर अपने कार्यक्रम वहाँ फिर आजमगढ़ वहीं से गाड़ी से निकल जाऊंगा। ज्यादा आपको हम नहीं बस बस रोकेंगे भी नहीं। बस एक मिनट लास्ट फोटो हम भाई एक साथ पूजा मना करना चाहिए। हमने
साथ बैठे नजर आ। और मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग फिल्म। हाँ बहुत जल्दी सुनो लेला अभी।